विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ा गांव जलालपुर अंबेडकर नगर के प्रधान अध्यापक से अनुरोध करूंगी माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी बच्चों से ताली बजाना। चलो अब एक छोटा सा प्रोग्राम है उनकी जीवनी पर। अभी ये जो बच्चियां खड़ी हैं यहाँ पर वो प्रस्तुत करेंगी, आप लोग देखिएगा और अभी हम लोग इसके बारे में आपसे पूछेंगे भी एक एक प्रश्न, ठीक है? चलिए अब मैं माइक देती हूँ काजल को। पंडित गोविंद पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनका जन्म 10 सितंबर सन 1887 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा के फूट गांव में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 10 जनवरी 1955 ईस्वी को यह भारत के चौथे गृह मंत्री बने। 1957 ईस्वी के गणतंत्र दिवस पर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका निधन 7 मार्च सन 1961 ईस्वी को हुआ। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने साइमन कमीशन बहिष्कार में भाग लिया। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। इनके जीवन से हम सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छात्र पति शिव का। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छात्र पति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़े, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में पढ़ के बताया गया, बताया ठीक है। तो अब ये बताइए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1887। तेज बोलिए। 1887, 1987 नहीं, 18 सितंबर 1887। और उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के फूट गांव में, उत्तराखंड पहले हमारे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, ठीक है? बाद में उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट करके एक नया प्रदेश बना दिया गया उत्तराखंड, ठीक है? अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री थे? प्रथम मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश
के भारत के चौथे गृह मंत्री भी थे 10 जनवरी सन 1955 ईस्वी को ये भारत के चौथे गृह मंत्री बने, ठीक है। और 1957 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इनका निधन सात मार्च 1961 में। इन्होंने किन किन आंदोलन में भाग लिया था, किन किन आंदोलन में भाग लिया था, जोर से बोलो। असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन बहिष्कार में भी इन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा एक और आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, बहुत आगे आगे थे उसमें, क्या नाम था उसका, नमक। इन्होंने किन किन आंदोलन में भाग लिया था, किन किन आंदोलन में भाग लिया था, साइमन कमीशन बहिष्कार में भी इन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा एक और आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, बहुत आगे आगे थे उसमें, क्या नाम था उसका, नमक सत्याग्रह आंदोलन में, ठीक है बेटा। एक समय ऐसा आया था कि नमक पर अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था और बिना नमक के भोजन नहीं बनता है ना, तो महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने एक यात्रा शुरू की समुद्र तक जाने की और वहाँ पे नमक बनाने की। वो आंदोलन जो चला था वो नमक सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस आंदोलन में। तो इस तरह की उनकी जीवन की जीवनी रही। तुम लोग भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, क्या कर सकते हो, रक्षा करनी होगी तो फिर आगे आओगे। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, जैसे ये हमारा स्कूल है ना, ठीक है, ये किसी की संपत्ति नहीं है ना, ना तुम्हारी है ना मेरी है, किसके लिए ये बना है, तुम बच्चों के लिए बना है ना, तो इसको भी सुरक्षित रखने में, साफ रखने में आप अगर मदद करते हो तो एक तरह से आप भी देश की रक्षा करते हो। जो जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उनका आप, उनकी आप सुरक्षा करो, वहाँ गंदगी मत करो। हॉस्पिटल में जाओ तो जगह जगह थूको नहीं, देखते बहुत लोग जो तो थूक देते, पानी खा के थूक दिया, गंदगी थूक दी, आप भी क्या करते हो, कॉफी का पेट फाड़ा, गंदगी खराब हो गया, फेंक दिया, धीरे से देख रहे कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन ये गलत बात है। अगर हर व्यक्ति, हर बच्चा इस स्कूल का ये सोचे कि हम गंदगी नहीं मचाएंगे और हर टीचर ये सोचे कि नहीं हम अपने स्कूल को साफ रखेंगे, तो क्या ये स्कूल कभी गंदा नजर आएगा, नहीं होगा ना। तो आप सिर्फ अपना योगदान दीजिए, अगर हर व्यक्ति अपना योगदान देगा तो ये देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। चलो अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय।